हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। दिस इज मयंक योर क्वांट एजुकेटर। तो बच्चे जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताओ मेरी मेरी आवाज आप सभी को आ रही है प्रॉपर। फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन, ठीक है। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताओ मेरी आवाज बेटा आप सभी को आ रही है प्रॉपर। हेलो भूमिका, कैसे हो बच्चा। तो चलो लेट्स स्टार्ट। बच्चे आज आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट टू है, तो उसी श्रेणी में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने बच्चों कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा आपका, ठीक है। जल्दी से बताइए भूमिका बच्चे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर आपके। कमेंट फास्ट एवरीबॉडी। ट्राई करो बेटा। अ पर्सन बॉट 27 टेबल्स फॉर 5940 रुपीज। एक व्यक्ति ने 27 टेबल 4940 रुपए में खरीदा 5940 रुपए में। उन्हें उसने ऐसे भाव पर बेचा कि 5 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो सौदे में होने वाले लाभ का प्रतिशत कितना है बच्चे आपसे ये पूछा गया है। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बेटा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हम लोग। चलो देखो बच्चे, एक व्यक्ति ने 27 टेबल 5940 रुपए में खरीदे, ठीक है ना। कितने में? 5940 रुपए में उसने 27 टेबल खरीदे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब आपको कह रहा है 5 टेबलों के बराबर लाभ, बेटा लाभ की कंडीशन, प्रॉफिट की कंडीशन क्या होती है ये समझो आप। प्रॉफिट कब होगा? जब आपका एसपी इज ग्रेटर देन सीपी होगा। प्रॉफिट की कंडीशन क्या है? एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। 27 टेबल उसने जो है खरीदी है, ठीक है ना। 27 टेबल यानी कि 27 एसपी माइनस 27 सीपी इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, 5 टेबलों के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के बराबर प्रॉफिट। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो 22 एसपी इज इक्वल्स टू 27 सीपी। तो SP अपॉन CP इज इक्वल्स टू 27 अपॉन 22, ठीक है। तो देखो 27 22 में खरीद के 27 का बेच रहा है, तो बेटा उसे 5 का फायदा हो रहा है। कितने पर? 22 पर। इनटू आपका 100,
ठीक है, तो ये आपका 11 हो गया और ये आपका 50 हो गया। तो ये हो गया बेटा आपका 250/11। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा 22 सही 8/11% हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। कितना हो जाएगा बच्चे? 22 सही 8/11% हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बताइए, बात क्लियर है सभी को बच्चा? जितने भी लोग लाइव हो सभी को बेटे बात क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लीज कमेंट फास्ट। ठीक है, संतोष कुमार जी, जय हिंद भाई। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा क्या होगा। 45 कलमों को बेचने पर 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बेटा। तो हानि की कंडीशन क्या है आपकी, ये समझ लो। जैसे हमने अभी लाभ की कंडीशन देखी, तो उसी तरह बेटा हमारी लॉस की कंडीशन है। हानि की कंडीशन क्या होती है? लॉस में बेटा हमारा, प्रॉफिट में हमारा एसपी बड़ा होता है और लॉस में हमारा सीपी इज ग्रेटर देन एसपी होता है हमेशा। ठीक है, हेलो मोनिका, हाउ आर यू। लॉस में हमारा क्या बड़ा होता है बेटा? लॉस में हमारा हमेशा सीपी बड़ा होता है। ठीक है, तो एक बार सभी लोग, जितने भी लोग लाइव जुड़ रहे हो सभी लोग सेशन को लाइक कर दो बच्चे ईमानदारी से। ठीक है ना, आपको बहुत मजा आने वाला है इस सेशन में, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जल्दी से बताइए बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। मोनिका, भूमिका, संतोष, ट्राई करो बेटा। 45 कलमों को बेचने पर 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो बेटा इस तरीके के मैंने क्या बताया, हानि जब होगी तो आपका सीपी हमेशा बड़ा होगा। तो आप कितने कलम बेच रहे हो यहाँ पर? 45 कलम बेच रहे हो, तो 45 कलमों का सीपी जो होगा उससे 45 कलमों के एसपी को घटाने पर आपको लॉस हो रहा है किसके बराबर? 5 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर। विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के बराबर हो रहा है लॉस। ठीक है, तो चलो इसको ट्राई करते हैं। हमारे क्या हो गया, 45 सीपी इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा ऐड हो जाएगा तो 50 एसपी आ जाएगा बेटा। ठीक है, सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल्स टू 50/45, कट कर दो आपको कट करना हो तो, 5 × 50, 5 × 9 = 45। 10 रुपए में कोई आर्टिकल आप खरीद रहे हो, 9 रुपए में बेच रहे हो, कितने का नुकसान हो रहा है आपको? 1 रुपए का नुकसान हो रहा है। कितने पर? 10 पर। इनटू आपका 100 कितना हो जाएगा बेटा? आपका 10% हो जाएगा। मोनिका बच्चे, अब तो नन ऑफ दिस तो नहीं हुआ? हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा सा कंसेप्ट सीखो। ठीक है, क्लास में बने रहो, कंसेप्ट सीखो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लो। इतनी बात क्लियर हो गई यहां तक बच्चा लोग सभी को? जल्दी से बताओ बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई सभी को? आगे बढ़े। अगर क्लियर हो गई तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, आंसर बताइएगा क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करो और आंसर बताओ।
ओके, थैंक यू सो मच। चलो इसको इसको ट्राई करो, सेम कंसेप्ट लगेगा। आपको सबसे पहले देखना होता है क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो क्वेश्चन में क्या हो रहा है आपका, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अच्छा, क्वेश्चन में क्या हो रहा है मोनिका, संतोष एंड भूमिका, और जितने भी लोग लाइव है प्लीज कमेंट करें, तो जिससे आपका नाम लेने में आसानी हो, आपसे पूछने में, आपसे डिस्कस करने में। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ बच्चे लोग कि यहां पर आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है क्वेश्चन में, जल्दी से बताइएगा प्लीज। लॉस हो रहा है यहां पे आपको, ठीक है ना, क्या हो रहा है मतलब लाभ हो रहा है आपको, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट की कंडीशन बेटा क्या होती है आपकी, प्रॉफिट की कंडीशन होती है SP-CP। तो 56 वस्तुओं को बेचा जा रहा है, यानी कि 56 SP-56 CP बराबर, अब कितने के बराबर, 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 14 SP। ठीक है, तो SP को इधर ले आओ आप, तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, 42 SP इज़ टू 56 CP, है ना। तो अब आपने क्या किया, SP/CP बराबर 56/42 कर दिया आपने, है ना, करा कि नहीं करा। अब अगर ये कर दिया तो 14 दुनिया 28, 23 42, 14 चौके 56, 3 रुपए की चीज है आप 4 रुपए का बेच रहे हो। भाई CP 3 हो गया, SP 4 हो गया, 3 रुपए का आर्टिकल आप बेटा 4 रुपए का बेच रहे हो, कितने का प्रॉफिट होगा आपको, 1 रुपए का, कितने पर होगा, 3 रुपए पर। और 1/3 की वैल्यू कितनी होती है दोस्त, 33, सही, 1/3% आपका आंसर हो जाता है। कितना हो जाता है बेटा, 33, सही, 1/3% आपका आंसर हो जाता है। बताइए, बात क्लियर है सभी को, जल्दी से कमेंट करके बताओ बच्चों, बात क्लियर है सभी को, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करिए और आंसर बताइए। सेम टाइप का है, जल्दी से बेटा अगले क्वेश्चन, 60 रुपए, वेरी गुड। 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के बराबर विक्रय मूल्य, देखो ट्राई करते हैं। तो 17 गेंदों को हानि होती है, यानी कि बेटा आपका सीपी बड़ा होगा, तो 17 CP-17 SP बराबर आपका 5 CP, है ना, तो ये इधर आ जाएगा, तो 17 5 22 हो गया, माननी 17 में से 5 चला जाएगा, तो 12 CP/17 SP, CP/SP आपका आ जाएगा 17/12। ठीक है, तो क्या कह रहा है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए और 720 रुपए बेचने पर, यानी कि आपको SP दिया गया है, 12 की वैल्यू बेटा कितनी है,
720 है। तो एक की आपसे पूछी गई है, ठीक है, तो 12 की वैल्यू अगर इतनी है तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 रुपये आ जाएगी। एक की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी आपकी, 60 रुपये आ जाएगी। बहुत बढ़िया मोनिका, शाबाश बच्चा, ठीक है, 60 रुपीज विल बी द राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। आगे बढ़े बच्चा, एवरीवन आगे बढ़ा जाए बेटा, प्लीज कमेंट फास्ट। जल्दी से बताओ, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना प्लीज। जल्दी से आंसर होता है इसका क्या होगा, 25%। 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य 5 कुर्सियों के लागत मूल्य के समान है। अब इसका क्या कंसेप्ट निकलता है बेटा, 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य यानी कि 4 आर्टिकल का, 4 चेयर का SP बराबर है 5 कुर्सियों के CP के, है ना। तो SP अपॉन CP बराबर आपका कितना आ जाएगा बेटा, 5/4। यानी कि 4 पर कोई आर्टिकल आप खरीद रहे हो और 5 पर आप कोई आर्टिकल बेच रहे हो, कितने का फायदा होगा, 1 रुपए का। और फायदा कितने पर होगा, हमेशा सीपी पर होता है, 4/1। तो 1/4 कितना हो जाएगा बच्चे आपका, 25% आपका। एक मिनट, 25% बेटा आपका यहां से राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएगा प्लीज। स्लो आती है, चलो आज तेज कर देते हैं। देखो अभी सही आ रही है बेटा, अब बताओ, अब सही आ रही है मोनिका, अब बेटा सही आ रही है वॉइस। ठीक है, और बताओ, और कुछ सेवा चाहिए। यदि 9 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है, 9 पुस्तकों का क्रय मूल्य, तो 9 आर्टिकल का CP इज इक्वल्स टू 8 आर्टिकल का SP। तो CP अपॉन SP इज इक्वल्स टू 8/9। 8 रुपए की चीज 9 रुपए की आप बेचोगे, 1 रुपए का फायदा होगा 8 रुपए पर, और 1/8 होता है आपका 12.5%। ठीक है, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे, 12.5%, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा प्लीज। जल्दी से अगला क्वेश्चन ट्राई करो और आंसर बताओ। अगला क्वेश्चन ट्राई करो बेटा।
25%, 12 टेबल का क्रय मूल्य, 12 टेबल का सीपी बराबर है 16 टेबल के एसपी के, है ना। तो सीपी अपॉन एसपी हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका बेटा हो जाएगा 16/12, 4 चौके 16, 4 3 12 हो गया आपका। 4 रुपए का आर्टिकल आप 3 रुपए का क्या करोगे, बेचोगे। यहाँ पे आपका ऑप्शंस गलत है, एक मिनट रुक जाओ। 12 आर्टिकल का सीपी 16 आर्टिकल के एसपी के बराबर है, तो सीपी अपॉन एसपी 16/12। यहाँ पर बेटा एक ऑप्शन आपका ऐड करो, थोड़ा सा गड़बड़ है, 33 सही, 1/3% का लॉस होगा आपको, ठीक है। 4 रुपए का आर्टिकल आप 3 रुपए का बेचोगे, वो सॉरी माफ करना मुझसे गलती हो गई, जरूरत नहीं है। 4 रुपए का आर्टिकल आप 3 रुपए का बेचोगे, 1 रुपए का आपको नुकसान होगा, 4 पर कितने का लॉस हो जाएगा आपका बेटा, 25% का, 25% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 25% इज द राइट आंसर, नहीं, वो गलती से मैंने थोड़ा सा दूसरा कैलकुलेट कर लिया था, मैंने 3 पर कैलकुलेट कर लिया था गलती से। यहां तक बात क्लियर हो गई बेटा, फिर आगे बढ़े। जल्दी से बच्चे कमेंट करके बताओ यहां तक बात क्लियर हो गई, आगे बढ़े फिर। जल्दी से बताइए एवरीवन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपके पास, जल्दी से आंसर बताइएगा इसका। बारह वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। 12 वस्तुओं का सीपी इज इक्वल टू 9 वस्तुओं का एसपी। तो सीपी अपॉन एसपी हो गया 9/12 हो गया, 3 से काटना चाहो काट दो, 3 दिखा 9, 3 छको 12, 3 का आर्टिकल आप 4 पर बेचोगे, 1 रुपए का प्रॉफिट होगा, कितने पर, 3 पर, और 1/3 होता है आपका 33 सही, 1/3%, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे, सी इज द राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताना प्लीज, अगले क्वेश्चन का बेटा आंसर बताओ क्या होगा जल्दी से। जल्दी से आंसर बताओ इसका क्या होगा, 37.5%। चेक करते हैं, एक चावल व्यापारी बेचने में 20% कम तोलता है, तो हमेशा तो समझ लो 100 था, उस 100 ग्राम उसको अगर तोल रहा था तो बेचने में 100 ग्राम की जगह उसने 80 ग्राम ही तोला, और साथ ही खरीददार से 10% अधिक भी पैसे ले लिया, यानी कि 100 ग्राम रुपए, अगर 100 ग्राम आर्टिकल 100 रुपए का था तो उसने 100 की जगह 10% ज्यादा 110 रुपए लिए। तो बेटा 80 रुपए का सामान उसने 110 रुपए का दिया है, तो उसे कितने का प्रॉफिट होगा, 30 रुपए का प्रॉफिट होगा, और 30 रुपए का प्रॉफिट जो होगा वो उसे कितने पर होगा, 80 रुपए पर होगा, इंटू आपका 100, ठीक है। तो 0 से 0 आपका कट गया, 300/8 सॉल्व कर लेंगे तो 37.5% हमारा यहां से राइट आंसर
आ जाएगा बच्चे। बात क्लियर है सभी को? बात क्लियर है बेटा सभी को? आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज। चलो ये तो अच्छी बात है ना, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। जल्दी से बेटा आंसर बताओ इस क्वेश्चन का क्या होगा। मुनिका आप किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो बेटा? चलो हम कर देते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है और ग्राहक को 10% बट्टा देता है। बेचते समय वह 1 किलो की जगह 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है और खरीदते समय वह एक देखो ध्यान से, उसने 1000 ग्राम की जगह 1100 ग्राम लिया और बेचते टाइम उसने 1000 की जगह 900 ग्राम दिया। अब उसने क्या किया, अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है, तो अंकित तो वो यहां से करेगा ना बेटा ज्यादा, क्योंकि ये जब उसने ये आर्टिकल लिया है तो इस पर उसने 20% ज्यादा, तो कितना हो जाएगा, 110 और 220, तो कितना हो गया 1320 का वो हो गया। और उसने क्या किया, 10% डिस्काउंट दे दिया, इस पर उसने -132 कर दिया, तो 10 में से 2 गया, बचा आपका 8, ठीक है, और 11 में से 3 गया, बचा आपका 8, और 2 में से 1 गया, 1188 रुपए। तो बेटा 900 रुपए का आर्टिकल उसने 1188 रुपए में बेचा है, तो उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 288 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर, 900 रुपए पर, इंटू आपका 100, 00 से 00 कट गया, कट करते हैं तो 9 3 27, 9 2 18, तो उसे 32% का क्या हो जाएगा बेटा, प्रॉफिट हो रहा होगा। कितने का प्रॉफिट हो रहा होगा बेटा, 32% का प्रॉफिट हो रहा होगा। बताइए बात क्लियर है सभी को? ठीक है, बात क्लियर होगी बेटा सभी को? ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ बच्चे।
जल्दी से बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा। दो सौ बटे नौ। ठीक है देखो क्या कह रहा है, एक दुकानदार 10% बेईमानी खरीदते समय यानी कि 100 की जगह वो 110 ले ले रहा है, और बेचते समय यानी कि 100 की जगह वो 90 दे रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है बेटा उसे? 20 का। कितने पर? 90 पर। और 2/9 कितना होता है आपका? 22। सही, 2/9%। कितना हो जाएगा बच्चे? 22 सही, 2/9% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बताइए, बात क्लियर है सभी को? ठीक है अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ बच्चों। जल्दी से आंसर बताओ बच्चों क्या हो जाएगा इसका? एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे, एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंप्लीट नहीं लग रहा है, बायोलॉजी एट द रेट ऑफ 1 रुपीज। ठीक है तो इसलिए इसको स्किप कर रहे हैं, क्योंकि ये बता नहीं रहा है कि उसने कितने रुपए कितने खरीदे हैं, है ना, तो इसलिए इसको स्किप कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होता बेटा क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सारे लोग। भाई उसने 1 रुपए के 25 ऑरेंजेस खरीदे हैं, ठीक है 1 रुपए के कितने बेचे कि उसे 25% का प्रॉफिट हो? जल्दी से बताओ आंसर।
जल्दी से बताओ बेटा। मोनिका जल्दी से बताओ बच्चे। 25 संतरे 1 रुपए में किधर से खरीदे उसने? तो देखो मैं समझाता हूं, 25 संतरे 1 रुपए में, तो एक संतरे की कॉस्ट क्या होगी बेटा? एक बटे 25 रुपए हो गई। हाँ या ना? 1/25 रुपए हो गई। अब इस पर क्या चाहिए आपको? 25% का प्रॉफिट चाहिए। तो 1/25, ठीक, या तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 1/25 को अगर मैं 100 पैसे मान लूं तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका? 4 पैसे एक संतरे की कॉस्ट आ गई। अब इसको आप क्या करो, 25% का प्रॉफिट चाहिए तो 125/100 कर दो। 25 पंचे 125 चौको 100, यानी कि 5 संतरे आपको, मतलब 5 पीस का संतरा बेचना पड़ेगा। अब एक संतरे की कॉस्ट क्या हो गई आपकी? 5 पैसे हो गई। तो 1 रुपए में बेचने हैं, तो 1 रुपए में बेटा 5 पैसे के कितने संतरे बेच पाओगे? ऑब्वियस सी बात है, 20 से मल्टीप्लाई करोगे 100 हो जाएगा, यानी कि 20 संतरे आप क्या कर पाओगे बेटा? बेच पाओगे। कितने संतरे बेच पाओगे बच्चे? 20 ऑरेंजेस, 20 ऑरेंजेस आप क्या कर पाओगे? बेच पाओगे, जब आपको 25% का प्रॉफिट होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन का बेटा आंसर बताना। जल्दी से बताओ। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा जल्दी से, क्या होगा? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा आपका? ₹16। चेक करते हैं, 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर एक आदमी को 40% की हानि होती है, 20% का लाभ कमाना है बेटा। देखो 1/32 कर दिया आपने, है ना? अब 40% की आपको क्या हो रही थी? हानि हो रही थी, तो नीचे आप 60 करो, और 20% का लाभ चाहिए तो ऊपर आप 120 करो। तो 60 दुनी 120, और ये आपका 16। 1 रुपए में 16 संतरे बेचोगे जब आप, तो आपको क्या होगा? 20%
प्रतिशत का लाभ होगा। बताइए, आई बात समझ में? आपका आ गया था, इस वजह से मैंने ज्यादा शॉर्ट में बता दिया। बताइए बेटा, आ गई बात समझ में? बताइए बेटा, आ गई बात समझ में? कमेंट फास्ट। मोनिका, इज इट क्लियर बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज। चार प्रतिशत लाभ, ठीक है। टीवी के विक्रय मूल्य में 30% की वृद्धि होगी तथा उसके संख्या में 20% की कमी हो गई, तो विक्रय पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बेटा 30% का मतलब 10 पर 3 की वृद्धि हो गई, 13 हो गई, कमी मतलब 5 पर 1 की कमी हो गई, यानी कि 4 हो गई। पहले 50 हो रहा था, अब बेटा क्या होने लगा, 13 चौके 52 होने लगा, 2 का फायदा होने लगा 50 पर, इंटू आपका 100, 50 दूनी 100, यानी कि 4% का क्या होने लगा बेटा, प्रॉफिट होने लगा। वेरी गुड मोनिका, यू आर डूइंग वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बताओ। थर्टी फोर की, चलिए चेक करते हैं। देखिए, 21 रुपए में 3 किलोग्राम के भाव से आम खरीदा और 50 रुपए में 5 किलोग्राम के भाव से उसे बेच दिया, तो भाई, और 50 रुपए में 5, तो सबसे पहले आर्टिकल हमेशा बराबर करने पड़ते हैं आपको। तो 105 रुपए में आपने 15 किलो खरीदे और 150 रुपए में आपने 15 किलो बेच दिए, ठीक है? तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 102 रुपए का लाभ वो कमाना चाहता है, ठीक है? तो कितने का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है बेटा, 45 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 45 रुपए का उसे प्रॉफिट हो रहा है जब वो 15 किलो खरीद बेच कर रहा है। 3 रुपए का उसे प्रॉफिट होगा जब वो 1 किलो की खरीद बेच करेगा, ठीक है? तो उसे कितना, 102 रुपए का चाहिए,
102 कितने से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 34 से, तो 102 रुपए का उसे प्रॉफिट होगा। कब? जब वो 34 केजी की खरीद बेच करेगा। ठीक है मोनिका, आप टेलीग्राम ग्रुप पर हो बच्चे? बताओ जरा एक बार, टेलीग्राम ग्रुप पर हो? बताइए। तो यूज तो करते होगे ना बच्चा? हाँ, तो अब वहां पर ना मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, या तो आप एक काम करो, टेलीग्राम में जाकर पीएससी संकल्प के नाम से सर्च करो। ठीक, पीएससी संकल्प के नाम से जैसे ही आप सर्च करोगे तो तुरंत आपको इस चैनल का टेलीग्राम मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप उसे ज्वाइन करो, बाकी मैं आपको वहां पर सेंड कर दूंगा। तुरंत ज्वाइन कर लो, ठीक है, जिससे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताओ बेटा क्या होगा। एक जो अपनी वस्तुओं को 5% लाभ पर बेचता है कि दैनिक बिक्री 2100 रुपए होती है, तथा बी जो अपनी वस्तुओं को 15% लाभ पर बेचता है कि दैनिक बिक्री 345 रुपए होती है, ए का दैनिक लाभ बी की तुलना में कितना अधिक है? जल्दी से बताओ। तो बहुत ज्यादा आएगा आंसर। देखिए, ए जो अपनी वस्तुओं को 5% लाभ पर बेचता है कि दैनिक बिक्री 2100 रुपए होती है, तथा बी जो अपनी वस्तुओं को 15% लाभ अच्छा उसकी दैनिक बिक्री है, यानी कि 5% की वैल्यू बेटा क्या हो गई आपकी, 1/20, 20 पर 21, 1 का लाभ यानी कि 21 की वैल्यू 2100 हो गई, तो 1 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 100 रुपए आ जाएगी। लाभ पर की दैनिक बिक्री 345 रुपए होती है, ठीक है, तथा बी जो अपनी वस्तुओं को 15% लाभ पर बेचता है कि दैनिक बिक्री 345 रुपए होती है, 15% का मतलब बेटा
115% मान लो, जिसकी वैल्यू 345 है, तो 1% की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी और 15% की वैल्यू बेटा 45 आ जाएगी। ठीक है, तो ये कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे? 55 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। ₹55 का। देखो बेटा मोनिका, मैं फिर से समझा लेता हूँ। 5% का लाभ हो रहा है, तो ₹2100 की डेली बिक्री हो रही है। ठीक है, तो मतलब 5% वैल्यू 1/20, 20 पर एक का प्रॉफिट, 21 की वैल्यू 2100, एक की वैल्यू 100। और दूसरी कंडीशन है, बी अपनी वस्तुओं को 15% लाभ पर बेच रहा है, उसकी दैनिक बिक्री 345 है, तो 115% वैल्यू 345, 1% की वैल्यू 3, 15% वैल्यू 45, है ना? तो कितने का डिफरेंस आ रहा है ए और बी के प्रॉफिट में? ₹55 का डिफरेंस आ रहा है, बात खत्म। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज। जल्दी से आंसर बताओ बेटा इसका। एक आदमी ने कुछ संतरे ₹2.85 मोल लिए, रुक जाओ कुछ गड़बड़ लिखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लिखा है बेटा। इसका आंसर बताओ। एक बढ़ई कुछ फर्नीचर की सामग्रियां खरीदकर उसे प्रति ₹8 की दर से बेच देता है, जिस कारण उसे ₹100 की हानि होती है। यदि वह उसे ₹10 प्रति के भाव से बेचता है तो उसे ₹200 का लाभ होगा, तो बताएं कि वह कितनी सामग्रियां खरीदा था। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ। मोनिका बेटा आपने ज्वाइन कर लिया, जल्दी से आंसर बताओ इसका क्या होगा। देखो बेटा, एक बढ़ई कुछ फर्नीचर की सामग्रियां खरीदकर उसे प्रति ₹8 की दर से बेच देता है, जिस कारण उसे ₹100 की हानि होती है। ठीक है, अच्छी बात है। यदि वह उसे प्रति ₹10 के भाव से बेचता तो उसे ₹200 का लाभ होता, यानी कि ₹2 के डिफरेंस पर उसे कितने का? ₹300 का प्रॉफिट आ रहा है। ₹2 के उस पर ₹300 का प्रॉफिट आ रहा है। तो बेटा इसका मतलब कितने आर्टिकल थे? इसका मतलब बेटा उसके पास 150 आर्टिकल थे। कितने आर्टिकल थे? 150 आर्टिकल थे। आई बात समझ में? सिंपल सा फंड है। हाँ जी, अगले क्वेश्चन का आंसर होता बेटा। ₹3 में 1 मिनट, ₹3 में
बॉट थी साड़ी इन विच शी गॉट 15% डिस्काउंट। यार इसमें भी कुछ एरर ही लग रही है, 3 रुपए की साड़ी तो नहीं हो सकती इसमें प्रत्येक साड़ी के। एक मिनट रुक जाओ, बॉट 3 साड़ीज इन विच शी गॉट 15% डिस्काउंट। बॉट 3 साड़ी, 3 रुपीज साड़ी इन विच शी गॉट 15% डिस्काउंट। इसमें रुपीस काट दो बस, क्वेश्चन पूरा सही हो जाएगा। बेटा ये आपको सर्च करना है, पीएससी संकल्प, सर्च करके बताइए मिला क्या। सर्च करके बताइए बेटा मिला क्या। अमन यादव, वेरी गुड इवनिंग। ओके बेटा, तो देखो यहां पर क्या है आपकी कंडीशन, जिसमें प्रत्येक साड़ी उसने 15% की छूट पर मिली, बहुत अच्छी बात है। अब कह रहा है यदि एक साड़ी का न्यूनतम मूल्य 1000 रुपए है तो उसे 2 साड़ी बेचकर कितने रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। ठीक समझते हैं, वह एक साड़ी को 20% के लाभ पर था, शेष साड़ी को 15% के लाभ पर दी। चलो जी ये भी ठीक है, सॉरी मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है अमन, या फिर मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है तो बेटा क्या हो गया, 1000-1000 रुपए के 3 आर्टिकल हो गए, तो पहले पर 2 साड़ियों पर उसने क्या किया, 20% का लाभ लेना चाह रहा है, तो इस पर उसने 20% का लाभ लिया 200, इस पर भी उसने भी अच्छा बाकी पर 150 का लेगा, 150 और 150। ठीक है तो उसे 2 साड़ी बेचकर कितने रुपए का लाभ प्राप्त होगा। 2 साड़ी बेचकर कितने का लाभ प्राप्त होगा मुझे ये तो नहीं पता। बेटा इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, कल के लिए रखते हैं, ठीक है ना, स्किप करते हैं, कल इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मोनिका मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन है क्या एग्जैक्टली। ठीक है आई डोंट नो, या फिर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ बच्चे। ठीक है बेटा, नहीं अमन इस चैनल पर आपकी ये क्लास नहीं चलती है बच्चे। ठीक है तो चलिए अनअकैडमी रिजॉल्व, आज बेटा लास्ट डे है आपका, न्यू ईयर न्यू रिजोल्यूशन न्यू गोल, गेट 23% ऑफ ऑन ऑल अनअकैडमी यूपीपीएससी सब्सक्रिप्शन। अगर आप लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन तो आज ही एनरोल कर लें, क्योंकि आपको मेरा कोड यूज करने से, काशी10 यूज करने से आपको मिलेगा 23% का डिस्काउंट एडिशनल। ठीक है बच्चे, एंड न्यू ईयर न्यू रिजोल्यूशन न्यू गोल, अगर आप यूपीपीएससी आरओ प्रिपरेशन करना चाहते हैं बच्चे, तो इसमें भी आप यूज कर सकते हैं मेरा कोड काशी KASHI,
10, जिससे आपको मिलता है 23% का इंस्टेंट डिस्काउंट बेटा, ठीक है। आलोक सर एंड अनूप सर एक बैच लेकर आए हैं आपके लिए जो कल से स्टार्ट हुआ है आपका, विच इज फ्रॉम 5th of January, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं बेटे, ठीक। इंट्रोड्यूसिंग अनअकैडमी लाइट फॉर यूपीपीएससी एग्जाम्स, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज प्लस PVYQs टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। एंड अनअकैडमी आपके लिए लर्नर्स के लिए लेकर आया है करेंट अफेयर मैगजीन, तो यहाँ पर आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप दिए गए हैं, आपको डाउनलोड करने हैं अनअकैडमी ऐप, सेल्फ स्टडी, सिलेबस एंड मैगजीन ऑप्शन पर जाना है और PDF को डाउनलोड करना है बेटा, ठीक है। चलो तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर। आपको जाने से पहले सेशन को लाइक कर देना है, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज डू लाइक द सेशन एंड प्लीज प्रेस सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मेरी क्लास डेली शाम को 4 बजे होती है, मिस मत करिए। तो बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, जय भारत माता की जय।